भी सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, आपको यह जानकर खुशी होगी कि आप अकेले नहीं हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। लोगों का शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने और शेयर मार्केट से पैसे कमाने का इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट स्टेप ऑफ शेयर मार्केट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां पर अलग अलग कंपनियों के शेयर की खरीदारी और बिक्री यानी बाइंग और सेलिंग होता है। बाइंग और सेलिंग से ही यहां पर लोग पैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे शेयर क्या होता है। शेयर एक कंपनी में हिस्सेदारी का प्रमाण होता है। जब आप किसी कंपनी के शेयरों को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में मालिकाना हकदार होते हैं। आइए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए विजय का एक ढाबा है जिससे विजय को सालाना मुनाफा 10 करोड़ रुपए होता है, लेकिन विजय को अपने ढाबा और अपने कारोबार को बढ़ाना है, उसे बड़ा बनाना है, जिसके लिए उसे और 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन उसके पास पैसे तो है नहीं। तो विजय क्या करे? तो विजय के पास दो ऑप्शन। पहला, या तो वो किसी से उधार ले ले, जो कि थोड़ी मुश्किल, क्योंकि रकम तो बड़ी है, या तो वो अपने कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट कर अपने कंपनी का शेयर इशू करे जिससे उसे 10 करोड़ रुपए पैसा मिल सके। अब विजय क्या करेगा? तो अब विजय अपने ढाबा को और बढ़ाएगा। तो विजय अपने ढाबा को और बड़ा और उसे और अच्छा बनाएगा जिससे लोग उसके ढाबे की ओर आकर्षित हो, जिससे विजय की ढाबा से उसे ज्यादा मुनाफा हो। अब मान लीजिए विजय ढाबा ऑफ द ग्रुप ने अपना दो और ढाबा बनाया और उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी, तो जिन लोगों ने उनके कंपनी के शेयरों को खरीदा होगा तो उनके भी इन्वेस्ट किए गए पैसों में बढ़ोतरी तो होगी। तो ये फायदा है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट लेकिन करने का। दोस्तों, किसी भी शेयर को खरीदने से पहले कंपनी की सारी फाइनेंशियल कंडीशन, कंपनी की वैल्यू, कंपनी पर रिसर्च करके ही और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही किसी शेयर में इन्वेस्ट करे तो काफी अच्छा रहेगा। यह था शेयर मार्केट में पहला कदम रखने